हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन समझाने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। और मेरिस्टेम, जैसा कि पहली क्लास में हमने पढ़ा है, कि शूट और रूट अपेक्स में पाया जाता है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को समझना है तो हमें अलग अलग शूट अपेक्स और रूट अपेक्स को कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं थ्योरीज रिलेटेड टू शूट अपेक्स। पहली थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी। इसको हॉफमेस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1857 में दिया था, जिसका सपोर्ट नागेली ने किया 1878 में। तो इतने समय तक ये थ्योरी मान्यता प्राप्त करती रही। ये थ्योरी कहती है कि ओनली सिंगल सेल इज़ ए कॉन्स्टेंट यूनिट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में केवल एक सिंगल कोशिका, एक अकेली कोशिका ही एक यूनिट होती है, विच गवर्न्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जो कि पूरी वृद्धि की प्रक्रिया को संचालित करती है। लेकिन ये जो है थ्योरी, ये क्रिप्टोगैम्स में तो मान्य है, लेकिन फेनरोगैम्स में ये पॉसिबल नहीं लगा साइंटिस्ट को कि एक अकेली कोशिका कांस्टेंट यूनिट हो सकती है और पूरे पौधे की वृद्धि को संचालित या गवर्न करती है। दूसरी थ्योरी दी गई बाद में समझाने के लिए शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहते हैं हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन ने 1868 में दी। इन्होंने कहा कि शूट अपेक्स में तीन जोन होते हैं, तीन भाग होते हैं, जिनको नाम दिया हिस्टोजन, और उसका नाम दिया उन्होंने डर्मेटोजन, प्लीरोम और पेरिब्लम। जैसा कि डायग्राम शो कर रहा है, इसको लेबल किया हुआ है, और जो एरोज दिख रहे हैं डायग्राम में वो डिवीज़न ऑफ पैटर्न बता रहे हैं, कोशिका किस प्लेन में डिवाइड होती है। तो एरो से हमको ये पता चलता है कि डर्मेटोजन में एंटीक्लिनल डिवीज़न हो रहे हैं, प्लीरोम में एंटी और पेरिक्लिनल दोनों डिवीज़न हो रहे हैं, जबकि पेरिब्लम में डाउनवर्ड नीचे की तरफ विभाजन होता है। तो विभाजन के प्लेन के आधार पर तीन क्षेत्र में एपेक्स को बांटा है हैंस्टीन ने। उसके बाद एक और थ्योरी आई जिसको कहते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। शिमिट नामक वैज्ञानिक ने 1924 में इसको प्रपोज किया, इस थ्योरी को। उसने कहा कि नहीं, तीन नहीं, केवल दो जोन होते हैं शूट अपेक्स में, जिनको नाम दिया गया, बाहर वाले को ट्यूनिका और अंदर वाले को कॉर्पस। डायग्राम में मैंने आपको शो करा है डिवीज़न ऑफ प्लेन विद द हेल्प ऑफ एरोज, और कॉर्पस जो है वो सेंट्रल मास बना रहा है, तो उसका डिवीज़न ऑल प्लेन्स में चारों तरफ विभाजन हो रहा है। तो तीन की जगह बहुत सारे पौधों में दो ही भाग स्पष्ट नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद एक और थ्योरी आई जिसको नाम दिया गया हिस्टोजन लेयर थ्योरी। इसे डर्मन नामक वैज्ञानिक ने 1947 में दिया था। डर्मन ने फिर कुछ प्लांट सेलेक्ट किए और एपेक्स की स्टडी की, और ये पाया कि नहीं, दो नहीं, तीन जोन ही होते हैं, तीन लेयर, परतें पाई जाती हैं। और डर्मन ने उनको नाम दिया लेयर वन, जो एपिडर्मिस बनाती है, लेयर टू, जो हाइपोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स बनाती है, और लेयर थ्री, जो कि वस्कुलर सिलेंडर बनाती है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल होते हैं। तो डर्मन के अनुसार तीन लेयर से मिलकर अपेक्स का संगठन बनता है। उसके बाद एक और थ्योरी आई, एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टेमी डी अटेंटी थ्योरी। नाम लंबा है, थोड़ा बार बार आप लोग उसको बोलेंगे तो याद हो जाएगी। बुवेट नामक वैज्ञानिक ने 1952 में इस थ्योरी को प्रपोज किया। इन्होंने शूट अपेक्स में ये बताया कि हर पेड़ में फूल जब खिलते हैं हायर प्लांट्स में, तो वो कहाँ से आते हैं। तो फूल खिलने के लिए एक सीज़न होता है, हमको पता है हर पेड़ पर एक निश्चित सीज़न में ही फूल आते हैं। कुछ पेड़ होते हैं जो एवरग्रीन, जिसमें सदाबहार पूरे साल भर फूल खिलते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ऐसे फूल जिसमें एक पर्टिकुलर सीज़न या समय पर फ्लावरिंग होती है, उसको एक्सप्लेन किया है बुवेट ने। उसने कहा है कि शूट अपेक्स में एक एक्टिव
मतलब एक जोन होता है जिसको मेरिस्टेमी डी अटेंटी कहते हैं, और ये वेटिंग मेरिस्टेम कहलाता है। वेटिंग मेरिस्टेम मतलब जब फूल खिलना होगा तो ये एक्टिव होता है, और फिर उसमें से उसके थ्रू इन्फ्लोरेसेंस निकलता है, पुष्पक्रम, और पुष्पक्रम में लगे होते हैं फूल। तो ये वेटिंग मेरिस्टेम का कंसेप्ट लेकर आए बोवेट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिन्होंने फ्लावर पर ध्यान दिया, पुष्पक्रम पर ध्यान दिया, और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है न्यू इनिशियल। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी, जिसको कहते हैं मेंटल कोर थ्योरी। पोफम एंड चान नामक दो वैज्ञानिक ने 1950 में मेंटल कोर थ्योरी दी। उन्होंने कहा जो शूट का जो टिप वाला पोर्शन होता है, डोम शेप जो होता है, उसको मेंटल कहते हैं, जबकि जो कोर होता है वो उसके नीचे वाला भाग होता है। और कोर तीन लेयर या परतों से या जोन से मिलकर बनता है, जिसमें पहला है सब एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है पेरिफेरल मेरिस्टेम, और तीसरा है सेंट्रल मेरिस्टेम। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग ये जो अपन टिश्यूज़ पढ़ते हैं ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो ये तीनों मेरिस्टेम इस प्रकार अलग अलग सिस्टम्स का निर्माण करते हैं पौधे में, उसके लिए ही जिम्मेदार होते हैं। सातवीं थ्योरी जो है, आखिरी थ्योरी जो कि शूट अपेक्स को समझाती है, वो है न्यूमैन्स कंसेप्ट। न्यूमैन नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रपोज किया थ्योरी को। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हर पौधे में, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो या जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, किसी भी ग्रुप के प्लांट, उन्होंने तीनों ग्रुप के प्लांट्स को सेलेक्ट किया फॉर द स्टडी। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टोगेम्स ले लिए और वो थ्योरी फेनेरोगेम्स में फिट नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, पहला जो उठाया फर्न उठाया। फर्न होते हैं टेरिडोफाइट, जिनको वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ये वो पौधे हैं जिसमें सबसे पहले वस्कुलर सप्लाई नोटिस की गई। तो इसमें उन्होंने कहा कि, न्यूमैन ने कहा कि सभी अपेक्स में एक CMR होता है, कंटिन्यूइंग मेरिस्टमैटिक रेसिड्यू, जिसका काम है कोशिकाओं को बनाते रहना जरूरत के हिसाब से। ये तीन प्रकार का होता है CMR। मोनोप्लेक्स जो कि फर्न में देखा गया, इसमें एक सिंगल लेयर होती है। CMR जो होता है वो एक परत के रूप में होता है, उसमें नीचे की तरफ सेल्स एरो दिखा रहे हैं, डिवीज़न इनर साइड में होता है, और इसको मोनोप्लेक्स कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल। दूसरा जो उन्होंने देखा CMR, जिम्नोस्पर्म में नोटिस किया, जिम्नोस्पर्म में ये सिंप्लेक्स होता है, इसका प्लेन ऑफ डिवीज़न पे नोट ध्यान दीजिए, वो दोनों डायरेक्शन में दाएं बाएं और नीचे एरो बना है, तो हर तीन तरफ उसका प्लेन ऑफ डिवीज़न है कोशिकाओं का, इस प्रकार से ग्रोथ होती है। तो मोर देन वन लेयर का CMR आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। उसके बाद उन्होंने एंजियोस्पर्म्स उठाए और उसमें कहा कि CMR मोर देन टू लेयर्स। तो टू लेयर्स का प्लेन ऑफ डिवीज़न देख लीजिए एरो से, पहला जो है वो दायां बायां दिखा रहा है, उसके बाद सेंटर में भी एक मैंने लाइन खींच के उसको शो करने की कोशिश की, इसको कहते हैं डुप्लेक्स, डुप्लेक्स CMR मोर देन टू लेयर्स। तो ये है अलग अलग थ्योरीज, हर थ्योरी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ईयर वाइज इसको अरेंज करके मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आपको अगर क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि डिस्कस द थ्योरीज विच एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को समझाने वाले विभिन्न जो वाद हैं उनको समझाइए। तो आप इसको सातों थ्योरीज को आपको करना है। उसके बाद हम आते हैं रूट अपेक्स। रूट अपेक्स भी इम्पॉर्टेंट है, रूट अपेक्स में मेरिस्टेम पाया जाता है। और रूट अपेक्स के लिए जो पहली थ्योरी है वो है एपिकल सेल थ्योरी, मतलब एपेक्स में एक सेल है जो क्रिप्टोगेम्स में सॉलिटरी है। सॉलिटरी मीन्स अकेली एक सेल जो विभाजन करेगी, ग्रोथ बढ़ाएगी, वो होती है टेट्राहेड्रल, जिसके चार तीन कटिंग फेजेस होते हैं, उसको टेट्राहेड्रल सेल कहते हैं। इससे बनता है रूट कैप और रूट। तो क्रिप्टोगेम्स में
टेट्राहेड्रल सेल है, जबकि जिम्नोस्पर्म में उन्होंने कहा कि एक नहीं दो ग्रुप होते हैं सेल्स के जो कि इनिशिएट करते हैं ग्रोथ को। तो ये सिंपल थ्योरी है। दूसरा हिस्टोजन थ्योरी है जो शूट अपेक्स की तरह तीन जोन, रूट अपेक्स में भी आपको साबित कर रही है कि तीन भाग होते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है कॉर्पर कप्पा थ्योरी, इसको श्यूप नामक वैज्ञानिक ने 1917 में दिया था। उन्होंने बोला कि रूट अपेक्स में दो भाग होते हैं, एक है कॉर्पर और एक है कप्पा, और इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो डिवीज़न होता है कोशिकाओं का उसमें एक बार उल्टा टी बनता है, एक बार सीधा टी का शेप बनता है। जो उल्टा टी है उसको कॉर्पर कहते हैं, जो सीधा टी है उसको कप्पा कहते हैं। तो इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर डिवीज़न के द्वारा वृद्धि होती है जड़ों की। चौथी और आखिरी थ्योरी जो है रूट एपेक्स को समझा रही है वो है क्विसेंट सेंटर थ्योरी। क्विसेंट का मतलब होता है शांत, तो इसको बताया था जिया मेस, जो मक्का होता है उस प्लांट को सेलेक्ट किया था स्टडी के लिए क्लाउज नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने कहा कि क्विसेंट सेंटर शांत क्षेत्र है, इसमें आरएनए डीएनए प्रोटीन अन्य कोशिकाओं से कम होता है और ये ही परमानेंट सोर्स है मेरिस्टमैटिक कोशिकाओं का। तो जब जब जरूरत पड़ती है क्विसेंट सेंटर शांत क्षेत्र कोशिकाओं को प्रोड्यूस करता है, एक से दो डिवीज़न होता है और रूट की लंबाई बढ़ जाती है। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, फुल क्वेश्चन आता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।